हेलो एवरीवन, आई एम नेहा यादव फ्रॉम आदर्शी निकेतन हाई स्कूल। दिस इज द फिफ्थ पोएम फॉर क्लास 9th, ए लेजेंड ऑफ ए नॉटलैंड। इसमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि ये जो पोएम है वो हमें शिक्षा देती है कि हमको हेल्प करनी चाहिए पुअर्स की और हंगरी लोगों की, जो कि भूखे होते हैं या गरीब होती है, हमको उनकी मदद करनी चाहिए। इसमें एक सेंट पीटर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, उनका पूरे दिन का फास्ट होता है और वे एक लेडी से खाने के लिए केक मांगते हैं, क्योंकि वो केक बना रही होती है, तो उसके लिए बहुत पतला सा केक बनाती है जो कि उसको देना नहीं चाहती बिल्कुल भी। तो सेंट पीटर जो होते हैं उनको गुस्सा आ जाता है और वो उसको श्राप दे देते हैं कि वो एक पक्षी बन जाए, और फिर उसके बाद वो पक्षी बनकर चिमनी में से उड़ जाती है और पूरे लाइफ, अपने पूरे जीवन में हमेशा भोजन के लिए इधर उधर भटकती रहती है और पेड़ों में छेद करती रहती है, वुड कटर बन जाती है, जिससे वो अब वुड्स में कटिंग करती है, पक्षी बन जाती है। तो लेट्स स्टार्ट द डिटेल समरी। इन दिस पोएम द पोएटिस टॉक टेल्स अस अ स्टोरी। द पोएटिस जो है वो हमको एक कहानी सुनाते हैं। इट इज द स्टोरी ऑफ द नॉर्थलैंड। ये नॉर्थलैंड की कहानी है। एट दैट टाइम सेंट पीटर लिव्ड ऑन द अर्थ। तब संत पीटर जो थे वो धरती पर रहते थे। ही यूज टू गो अराउंड द वर्ल्ड एंड प्रीच इन दिस द टिपिकल मैनर। वो पूरे संसार में घूमा करते थे और प्रीच किया करते थे। प्रीच मतलब अपना उपदेश दिया करते थे लोगों को जगह जगह जाकर। वन डे ही केम टू ए कॉटेज। एक बार वो एक झोपड़ी में गए। ही सॉ ए वुमेन मेकिंग केक्स। और वो उस झोपड़ी में देखा उन्होंने कि एक वुमेन जो थी वो केक्स बनाती थी। सेंट पीटर हैज फास्टेड फॉर द होल डे। सेंट पीटर जो थे वो पूरे दिन से भूखे थे क्योंकि उनका फास्ट था। सो ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड। वो बहुत ज्यादा भूखे और थके हुए थे। ही आस्क द वुमेन टू गिव हिम ए केक फ्रॉम हर स्टोर ऑफ द केक्स। तो उन्होंने उस लेडी से एक केक मांगा उसके केक स्टोर से। द वुमेन वॉज वेरी ग्रीडी। जो वुमेन थी वो बहुत ज्यादा ग्रीडी थी। शी लालची थी। शी मेड ए वेरी स्मॉल केक फॉर द सेंट। वो बहुत छोटा सा केक बना कर लाती है उनके लिए। बट वेन द केक वॉज बेकिंग शी थॉट दैट इट इज टू लार्ज टू गिव अवे। तो वो जब केक बन रहा होता है तो वो सोचती है कि बहुत ज्यादा केक बड़ा हो गया उनको देने के लिए। सो शी मेड अनदर वन विच वॉज स्मॉलर देन द फर्स्ट। फिर उसने एक और केक बनाया जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा था, उससे भी छोटा था जो पहले उसने बनाया था। बट वेन इट वॉज रेडी शी थॉट दैट इट इज ऑल्सो टू बिग टू बी गिवन। फिर जब वो रेडी हो गया तो उसने सोचा कि ये भी बहुत बड़ा है देने के लिए, ये भी मैं नहीं दे सकती। सो शी मेड ए वेरी स्मॉल एंड वेरी थिन केक फॉर हिम। बहुत पतला सा छोटा सा केक बनाती है शी। बट एज शी वॉज ग्रीडी शी डिड नॉट वॉन्ट टू पार्ट विद इवन दिस केक। लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा लालची होती है तो वो ये केक भी उनको नहीं देती है। शी प्लेस इट ऑन द शेल्फ। और वो उसको बना के भी अपने शेल्फ में रख देती है। सेंट पीटर सॉ दिस एंड ग्रो एंग्री। बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया जब उन्होंने ये सब देखा सेंट पीटर ने। ही टोल्ड हर यू आर वेरी सेल्फिश। तो उन्होंने बोला कि तुम बहुत ज्यादा लालची हो, सेल्फिश हो। यू डू नॉट डिजर्व टू लिव इन दिस वर्ल्ड ऑफ ए ह्यूमन फॉर्म। तुम इस जगत में रहने के लायक नहीं हो इंसानी रूप में। यू डू नॉट डिजर्व फूड शेल्टर एंड फायर टू कीप योर वार्म। तुम्हें डिजर्व नहीं करते हो कि तुम्हें खाना मिले, रहने के लिए जगह मिले और फायर मिले ताकि तुम गर्म रह सको। ही कर्स्ड हर टू बी चेंज इन ए बर्ड। उसने उनको श्राप दिया कि वो एक बर्ड में कन्वर्ट हो जाए, एक पक्षी बन जाए। शी बिकम ए वुड पिकर। और एक वुड पिकर बन गई वो। एंड फ्लू आउट ऑफ द चिमनी। और उस चिमनी से निकलकर उड़ गई। इन द एंड द पोएटिस सेज दैट एवरी स्कूल गोइंग बॉय हैज सीन हर इन द वुड। जितने भी स्कूल जाते थे बच्चे वो सारे उसको देखते थे वुड्स पे, लकड़ियों पे, जंगलों में। शी स्टिल लिव देयर इन द ट्रीज। वो अभी भी रहती है पेड़ों पे। शी कीप्स बोरिंग ट्रीज फॉर द फूड ऑल द डे। और वो उन पेड़ों को कुरेती रहती है ताकि उसको खाना मिल सके, क्योंकि वो वुड पैकर है और वो हमेशा लकड़ियों में छेद करता है, पेड़ों में छेद करता रहता है। तो अभी भी जो उसका श्राप है वो कंटिन्यू है और वो अभी भी लकड़ियों में छेद करती रहती है। तो आई होप पोएम आपको समझ आ गई होगी। एक लेडी जो कि बहुत ज्यादा लालची होती है, ग्रिडी होती है, उसको एक श्राप दे देते हैं सेंट पीटर, वो पक्षी बन जाती है और उसके बाद जंगलों में इधर उधर घूमती रहती है खाने की तलाश में। इसीलिए हमको मॉरल मिलता है स्टोरी से कि हमको कभी भी ग्रिडी नहीं होना चाहिए, हमेशा पुअर लोगों की, जो गरीब होते हैं और जो हंगरी होते हैं उन लोगों की सहायता करनी चाहिए, भूखे को खाना देना चाहिए। टिल देन क्लास हैव अ गुड डे, कीप रिवाइजिंग।